इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NFS नो लिमिट गेम के अंदर अगर आप किस तरीके से दिखाई देता है अपडेट रिक्वायर्ड दिस अपडेट रिक्वायर एन एडिशनल कुछ MB यहाँ पर दी जाती हैं, ज़्यादा हो या कम हो उसमें आपको शो कर जाती हैं और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अभी हम प्रोसेस के सामने हैं बिल्कुल। अब जैसे हमारा डेटा यहाँ पर नहीं चल रहा तो इसमें ये रन नहीं कर पाएगा। एक्चुअली में ये होता है कि एडिशनल डेटा होता है ये, जैसे कोई नया अपडेट आ गई, नई चीज़ें आ गई तो उनमें ये चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना चाहिए उसको, ठीक है, ज़रूरी है। बाकी आप प्ले स्टोर से भी इसको अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो इसके अंदर का अपडेट रहता है उसमें इंटरनेट कनेक्शन को चालू रखिएगा। अब जैसे आप सेटिंग्स में जाइए और एक दफ़ा एरोप्लेन मोड लगाइए, अगर आपका इंटरनेट चालू नहीं है तो चालू कर लीजिए, लगा लीजिए एक दूसरे से, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी ज़रूरी होती है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आप ऐप्स में जाइए, मैनेज ऐप्स में जाइए और यहाँ पर जो है मान के चलिए NFS है ये, तो उसमें यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्ट डेटा यूज को स्टार्ट करके रखिए। तो इतना आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर अपने फ़ोन को बंद करके खोलिए तो फिर आपको कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपका यहाँ पर गेम रन कर जाएगा। तो इतना सा प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।